भारतीय जनता पार्टी से गजय सिंह राणा 18,174 वोट्स 18,174। आम आदमी पार्टी से महराज मलिक 22,944 वोट्स 22,944। दो हज़ार चौदह के बाद ये 2024 में आज जो चुनाव हुआ था और इसमें भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, मुझे यहाँ के लोगों ने आशीर्वाद दिया है। मैं डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का आभार प्रकट करूँगा जिन्होंने हमें वोट किया, सपोर्ट किया, और अपने कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद देना चाहूँगा जो पार्टी के लोग हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया और डोडा वेस्ट की सीट हमने जीती। और अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट को हम अगर देखेंगे तो यहाँ तीन में से दो सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीती है। आज ये डोडा कांग्रेस मुक्त हो गया है, एनसी मुक्त हो गया है, पीडीपी मुक्त हो गया है, यानी कुल मिला के आप देखेंगे, मैंने 2012 से मैं भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर काम कर रहा हूँ और अक्सर इस बात को कहता रहा कि डोडा में अगर सबसे मजबूत संगठन, सबसे मजबूत पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और आज वो सिद्ध हुआ है। आज आपने देखा होगा कि यहाँ पे दो सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। यहाँ मैं सबको बधाई दूंगा और इनका धन्यवाद करूँगा कि जिन्होंने वोट, सपोर्ट और दिन रात मेहनत करके यहाँ मुझे जितवाया। अभी तो सारे रिजल्ट्स आने बाकी हैं, तो हम तो अंडर माइंडेड जो भी ग्रुप्स हैं, इंडिपेंडेंट्स हैं, उनसे मिलके प्रयास होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में भी सरकार हो। सर, डोडा आप तो अपनी जीत गिना रहे हैं, लेकिन डोडा में जो आपको हार हुई इसके बारे में क्या? मैंने पहले कहा कि डोडा की तीन सीट्स थी जिसपे भारतीय जनता पार्टी दो सीटें यहाँ पे जीती हैं। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया वालों का, कि काफ़ी परेशानी हुई आपको, सुबह से आप सड़कों पे खड़े थे, दफ्तरों में खड़े थे, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और डिस्ट्रिक्ट डोडा के तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि दो सीटें हमने जीती हैं, तीसरी सीट भी हमारी समझो, ये सारे मिलजुल के हैं हम लोग और अच्छे तरीके से लोगों ने हमें वोट दिया। हमारे वर्करों ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, लोगों ने वोट दिया है। मोदी जी की जितनी भी स्कीमें थी उनको लागू करने में हम कामयाब हुए हैं और आगे भी जो पार्टी का आदेश होगा उसको हम पूरा करेंगे। क्या लगता है इस जीत में मोदी जी का यहाँ आना कितना असरदार रहा? बहुत, आपके सामने तो है सारी बात। अब 42,000 से ज़्यादा वोट भदरवा से मिलना मामूली बात है। आज़ाद साहब ने 47,000 वोट लिया था और दूसरे नंबर पे आज हमारा वोट है ये 42,000 समथिंग। काफ़ी उम्मीदें अभी भी लोगों को है आपसे, क्योंकि काफ़ी काम जो है लोगों का ये कहना 2014 के बाद इलेक्शन नहीं, अब इलेक्शन हो तो किस तरह के काम रहेंगे खासकर? पहले तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि भाईचारा हम बना के रखें, अमन अमान कायम करके रखें और डेवलपमेंट के जो भी काम होंगे उनको हम बिल्कुल अपने तरीके से, डेवलपमेंट के जितने भी काम होंगे वो काम हम करेंगे। जो भी कमी रही होगी, हमारा नौजवान बेकार है, इस तरीके के जो भी काम है वो हम करेंगे।